जय श्री राम। मैं ऋतु छाबरा ALS की टीम की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ आज दो ज्योतिष जगत के बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व उपलब्ध हैं। मैं वैसे तो वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, पर मैं फिर भी उनका स्वागत करती हूँ, उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। श्री नितिन कश्यप जी। नितिन जी के बारे में एक बात बोलूंगी कि ये बहुत ही सुगमता से, बहुत ही कुशलता से ज्योतिष का ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं, जो बहुत ही सराहनीय है और बहुत पसंद भी किया जाता है हमारे दर्शकों द्वारा। धन्यवाद नितिन जी। जर्मनी से हमारे साथ जुड़े हैं भाभाजीत जी। भाभाजीत जी बहुत अच्छे जानकार हैं ज्योतिष विषय के। इनके बारे में एक विशिष्ट बात जो मुझे लगती है कि वो अपनी ज्योतिष संबंधी विवरण में अध्यात्म का टच जो लेके आते हैं वो देखते ही बनता है। एक अलग ही पहलू निकल के आता है, एक अलग पर्सपेक्टिव हमें मिलता है। तो बधाई हो और अभिनंदन भावाजीत जी। आती हूँ मैं अपने विषय पे। आज हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? देखिए, हमारे सामने दो प्रकार के व्यक्तित्व निकल के आते हैं। पहला, वो ऐसी पर्सनैलिटी जो एक निरर्थक सा जीवन जी रहा है, उसके जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, एक एमलेस सा, एक डायरेक्शनलेस सी जिंदगी वो बिता रहा है। इसको हम इच्छाओं से जोड़ के देखेंगे। उसकी इच्छाओं की कमी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने जीवन में आगे बढ़ना है तो इच्छाएं होना जरूरी है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ एक ऐसे व्यक्तित्व भी सामने आते हैं जिनमें महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी होती हैं, इच्छाओं की प्रबलता होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब ये इच्छाओं के प्रति और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते हैं और जब प्राप्ति में कमी होती है, सक्सेस नहीं मिलती है, तो ऐसे में ये अवसाद की ओर अग्रसर हो जाते हैं। यही इच्छाएं, यही महत्वाकांक्षाएं के दुख का कारण भी बन जाती हैं। तो ऐसे में कुंडली के माध्यम से एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू पर्सनैलिटीज, हम कुंडली के माध्यम से कैसे जान सकते हैं कि कौन सी पर्सनैलिटी, एक तरफ वो जो उद्देश्यहीन जिंदगी जी रहा है और दूसरी तरफ वो जो भागे जा रहा है दौड़ में, रेस में अपनी अटेनमेंट्स के लिए, तो इनको एस्ट्रोलॉजिकली पत्रिका में कैसे हम जान सकते हैं? तो इस चर्चा को ओपन करती हूँ मैं भाभाजीत जी से। भाभाजीत जी, आप किस प्रकार से देखेंगे इच्छाओं का होना और ना होना, और बहुत ज्यादा होना? पहले तो नितिन जी का धन्यवाद। ये आपने ऐसा बोला कि करना है तो मैं भी एक्साइटेड हो गया। आपने वो जब टॉपिक भेजा था, मुझे लगा कोई मूवी का डायलॉग है। अब मुझे पता चला ये आपका सही में वो वीडियो का टॉपिक ही है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी टाइम दिया है। तो मैं जैसे इसको कैसे देखता हूँ कि जैसा बहुत बार आप सुनेंगे ना, लोग कहते हैं कि इच्छाएं बहुत बुरी है, ऐसा लोग कहते मिलेंगे आपको। कोई आप आध्यात्मिक कोई प्रवचन पे चले जाइए, यहाँ वहां चले जाइए, और ये जब हम सोचते हैं ना तो हमको लगता है कि यार इतना बुरा है क्या इच्छा करना कोई चीज। मतलब हम इच्छा के बिना जिए कैसे, मतलब हम क्या बस पत्थर बन के बस रह जाए ना, कुछ ना सोचे, कुछ ना बने, कुछ ना करे, तो क्या करे। मतलब पानी पिएंगे तो वो भी इच्छा है, सोने जाएंगे वो भी इच्छा है ना, उठेंगे वो भी इच्छा है। तो मेरे एक सीनियर गुरु थे, वो हमेशा कहते थे कि जो डिजायर है, जो इच्छा है, वो सोल का सिम्टम है। वो मतलब आत्मा का, वो जहां पे भी आत्मा है तो वो इच्छा रहेगा ही। तो अगर ऐसा कोई कहता है कि इच्छाएं मत करो, इच्छाएं खराब है, तो वो मतलब वो इसेंशियली ये कह रहा है कि तुम आत्मा मत रहो, तुम कुछ और बन जाओ। लेकिन जो हो नहीं सकता है, क्योंकि हर इंसान तो आत्मा है। तो इसीलिए ये कहना कि इच्छाएं खराब है, ये ठीक नहीं है। लेकिन तो फिर क्यों कहा जाता है कि इच्छाएं समस्या का कारण बनती है? क्योंकि जब जैसा हमारे शास्त्रों में कुछ चीजें बताई गई है ना, जैसे ये लिमिट तक जब आप इसको परसू करते हो तो ठीक है, लेकिन जब आप एक लिमिट क्रॉस कर देते हो ना, एक भौतिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे, तब वो आपका प्रॉब्लम हो जाता है, फिर समस्या का कारण बन जाता है ना। जैसा लोग सबसे ज्यादा जैसे ये मटेरियल वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज क्या होती है, जैसे ना एक मर्द और औरत का जो अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज हो जाती है। तो इसके लिए जैसे हमारे ऋषि मुनियों ने वो विधान दिया है ना, विवाह का विधान दिया है कि ठीक है,
आपको रहना है तो आप शादी कर लो, विवाह कर लो ना, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो कोई पाप है या उसमें ना कोई प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप वो ना करके ना किसी के साथ कुछ भी करे तो फिर वो आपके खुद के लाइफ में, वो आपकी खुद की जिंदगी नीचे जाएगी उसे। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर इच्छाओं को कल्टीवेट करें और स्पिरिचुअल चीजों की इच्छाएं हम ज्यादा करें ना। जैसे अभी मैं इंडिया में था तो 7 दिन में वृंदावन था। मुझे बहुत सारे लोग बोले कि तुम 3 हफ्ते के लिए इंडिया आए हो, उसमें भी 1 हफ्ता वृंदावन में रहोगे। कभी बॉम्बे या गोवा या ऐसी जगह भी चले जाओ ना, दिल्ली चले जाओ। तो अब मेरे पास वो फ्री विल था ना, वो इच्छा कि मैं कौन सी चीज में मैं अपनी इच्छाओं को लगाऊं, मैं वृंदावन जाऊं या मथुरा जाऊं या गोवा जाऊं। मैं गोवा में भी कुछ हो सकता है मुझे पता नहीं, लेकिन एक जेनेरिक सेंस पे बोल रहा था मैं ना। तो ये हमारे ऊपर है, हम कैसी इच्छाओं को अपने ऊपर पनपने देते है ना, और जैसी हमारी इच्छा होगी वैसे हम लोगों से मिलेंगे ना। एक आदमी जिसको शराब पीने की बहुत इच्छा है, वो कभी ना जो मिल्क शेक पीता है या जो दूध पीता है या कोई ऐसी चीजें पीता है उससे नहीं मिलेगा, वो हमेशा जो बाकी शराबी है उन्हीं से मिलेगा। तो ये जैसा आपको तो पता ही है ज्योतिष में, जैसा 11वां घर हमारी इच्छाओं का है ना, इच्छा पूर्ति का है वो। तो 11वां घर हमारा संघ भी बताता है, एसोसिएशन ना, हमारे दोस्त। तो ये कहा जाता है कि हमारे अंदर जो इच्छाएं आती है वो हमारे एसोसिएशन का बाय प्रोडक्ट है। जैसे आप अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपकी जो इच्छाएं है अपने आप ऑटोमेटिक अच्छी चीजों की इच्छा आप करेंगे, और अगर आप ऐसे किसी किसी के साथ भी घूमते रहेंगे तो उनकी जो इच्छाएं है वो आपके अंदर आ जाएंगे। तो आपको तो पता ही है सबको कि एक्वेरियस 11वां राशि है ना, कुंभ राशि। तो वो तो शनि और राहु का ये है, आप जानते ही है ना, जैसे राहु रूल करता है एक्वेरियस को शनि के अलावा भी। तो इसके लिए वो दोनों हमें जकड़ लेते हैं ना, जकड़ लेते हैं, मतलब राहु बोलता है कि ये चीज तेरे पास नहीं होगी तो कभी खुश नहीं रहे। और शनि बाद में क्या करता है, जब हम उसको पूरा करते 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 ना इतना थक जाते हैं हम कि हमारे पास लाइफ में कुछ बचता नहीं है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, आगे नीति जी तो है ही बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, इसमें आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए, इसमें मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर देती हूँ। कुंडली में हम 5वें भाव से इच्छा देखते हैं, और इच्छा की पूर्ति जैसे आपने बोला हम 11वें भाव से देखते हैं। तो अगर एक सिंपल सा सूत्र है जो मुझे प्राप्त हुआ है, जो मैं दर्शकों से भी साझा करना चाहूंगी, अगर 11वें भाव का स्वामी बलि होके लगन से संबंध बनाए तो ऐसे में इच्छाएं बहुत प्रबल होती हैं, व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। और मेरे हिसाब से कुंडली में जब हम महत्वाकांक्षाओं का या उनके ना होने का विचार करें तो मंगल और शनि की भी बात करें, जैसे कि आपने बहुत खूबसूरती से बताया बाबा जी जी। ओवर टू यू नितिन जी, आप कैसे देखेंगे कुंडली में कि व्यक्ति में महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं या ना हो, और ऐसे में वो अवसाद की तरफ अग्रसर हो रहा है। सबसे पहले तो जैसे भावाजीत भाई ने कहा, मूवी का टाइटल लग रहा था, तो इस टाइटल को जस्टिफाई मुझे पता था एक ही बंदा कर सकता है, वो भावाजीत जी है। जैसे ये टाइटल दिमाग में है ना, जैसे कहते हैं मूवी की स्क्रिप्ट दिमाग में आती ही याद आ जाता है कि कौन से एक्टर को इसमें लेना चाहिए जो फिट बैठेगा। तो वहां पे मुझे सबसे नहीं, खैर मैं इसको इतनी अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता था। जैसे आपने बताया कि भाई जो इच्छाएं नहीं है, इच्छाएं तो सोल की निशानी है, अगर इच्छा ही नहीं है तो अकर्मण्यता आ जाती है। व्यक्ति किसके पीछे जाएगा, कोई तो ऑब्जेक्टिव लाइफ में बनाना होगा। और कई बार क्या होता है, पत्रिकाएं आती है उसमें हम व्यक्ति को बोलते हैं कि यार ज्यादा ऊंचा मत उड़ो, मुंगेरी लाल के सपने मत लो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम रियलिस्टिक रियल वर्ल्ड में आओ। और कई बार उल्टा होता है, हम बोलते हैं यार तू कुछ कर, कुछ सोच जिससे तेरा और ग्रोथ हो, क्योंकि आपने अपने आप को खुद को रोक रखा है। तो जैसे भावजीत भाई आपने बोला ना, वो 11वें घर की बात कर रहे थे आप, शनि की बात कर रहे थे, मैं उच्च स्थान पर जरूर जाता हूँ। जब कभी कोई ये बोलता है ना कि एम्बिशियस बंदा देखना है कि है कि नहीं, तो मैं 3, 6, 10, 11 जो भाव है उस पर फोकस करता हूँ कि लग्न के लॉर्ड का संबंध अब यदि इनसे है
तो और इनसे होने के बाद जैसे अभी आपने कहा राहु का प्रभाव हो तो उसकी संभावनाएं और बढ़ जाती है, राहु तो है ही इन सब चीजों का कारण। अच्छा एक चीज और भी है कि अगर हम अभी आपने थोड़ी देर पहले ऋतु जी बता रहे थे कि हमें मंगल को लेना चाहिए और मरकरी भी आया था जहां तक मुझे याद है, तो देखिए काल पुरुष की कुंडली अगर हम बनाए मेष लगन तो उसमें जितने उच्च भाव होते हैं उसके स्वामी दो ही ग्रह बनते हैं, मंगल ये बुध और शनि, तीसरे और छठे का बुध बन जाएगा, 10 और 11 का शनि। तो मंगल कलता का भाव देता है, जैसा कि हम जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली का लग्नेश ही मंगल है। तो एक तो इन तीन ग्रहों का परस्पर संबंध, लग्न कुंडली कुछ भी हो कोई भी लग्न हो आपका, लेकिन अगर मंगल बुध शनि में कोई परस्पर संबंध है तो ये वो फायर देता है कि मुझे कुछ करना है, मैं शांत नहीं रह सकता, मुझे कुछ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव बना के बड़ी बड़ी बातें करनी है, और वो देता है, वो ध्येय देता है कि उस उद्देश्य को पाने के लिए मुझे जाना है। तो मैं पहले तो इन पर ध्यान देता हूँ कि ये इनका क्या परस्पर संबंध आ रहा है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी आती है, मैं जब पढ़ता था, मैं अभी वो वर्ड बोल रहा हूँ शायद, 3, 6, 11 भाव को ना एक स्पेशल कैटेगरी में कहा गया, अगर 10वां हटा दें तो उसको कुछ और नाम दिया जाता है, उपचय शायद, कृष्णाय भाव। तृष्णाय भाव, थैंक यू, बताओ मैं भूल रहा था। तो 3, 6, 11 को तृष्णाय भाव कहते हैं, और जब उसमें 10 जुड़ जाता है, जब कर्म जुड़ जाते हैं तो फिर वो उपचय हो जाता है। तो इन तीनों के कंजंक्शन में या इन तीनों के लिंक में 10th हाउस, 10th हाउस का क्या रोल है, वो कितना सपोर्ट दे रहा है उसके सपनों को पूरा करने के लिए, मैं उस पर फोकस करता हूँ। तो ये मेजर मेरे पास ये 2-3 पॉइंट होते हैं जिसको देखकर मैं ये थोड़ा अंदाजा लगाता हूँ कि व्यक्ति की कितनी दूर की सोच हो। और ये भी मैंने देखा है कि जैसे आपने जैसे बहुत अच्छे से बताया, लगन का अगर 3, 6, 10, 11 से संबंध बनता है तो आदमी भले ही अपनी बर्बादी क्यों ना कर रहा है लेकिन वो बहुत उसके अंदर ऐसा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है और यही करूंगा मैं आगे। हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। कुछ लोग देखेंगे ना तो पूरी दुनिया जानती है कि वो खुद ही डूब रहा है ये सब करके, लेकिन तुम बोले क्यों कर रहे हो, तुम बोले नहीं नहीं हम करेंगे, हमको तो लगता है हम सही कर रहे हैं। तो अच्छा बुरा दोनों के इसमें काम करता है ये चीज। हाँ मतलब ये अगर इसको हम पॉजिटिव सेंस में ले तो ट्रेंड सेटर जितने लोग हैं जिन्होंने बेवकूफिया की है और वो बेवकूफिया सक्सेसफुल हो गई तो वो ट्रेंड सेटर बन गए कि अरे इन्होंने देखो क्या काम कर दिया। और अगर वही अगर फेल हो गए जिसके चांसेस ज्यादा हैं तो फिर यही होता है कि यार इसको कितना समझाया था मत कर मत कर, लेकिन ये पीछे पड़ा रहा उसे। बिल्कुल आप सही कह रहे वो उस उन दो में से ना ये 4, 3 से 10, 11 में से 3 और 6 जो है ये दुस्थान भाव है, मतलब तीसरा घर पूरी तरीके से नहीं लेकिन फिर भी माना जाता है उसको, चौथा घर तो है ही। बिल्कुल